फाइटिंग स्पिरिट खत्म तो नेता खत्म। ये कैसे? इस बार राजस्थान के लोकसभा चुनाव में सीकर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले कॉमरेड अमराराम इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि राजनीति में फाइटिंग स्पिरिट कितनी जरूरी होती है। अगर फाइटिंग स्पिरिट ना हो तो नेता कैसे जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। कॉमरेड अमराराम की चुनावी राजनीति की शुरुआत होती है 1985 में धोद विधानसभा सीट से, जहां वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन तीसरे नंबर पर रहते हैं। फिर 1990 में एक बार फिर से विधानसभा चुनावों में उतरते हैं लेकिन फिर वो तीसरे नंबर पर ही रहते हैं। इसके बाद शुरुआत होती है 1993 में उनके विधानसभा पहुंचने की और धोद विधानसभा सीट से कॉमरेड अमराराम विधायक बनते हैं। फिर 1998 और 2003 लगातार तीन बार कॉमरेड अमराराम राजस्थान की विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन फिर धोद विधानसभा सीट आरक्षित हो जाती है तो कॉमरेड अमराराम अपने साथी को धोद विधानसभा सीट से जिता देते हैं, लेकिन खुद दाता रामगढ़ सीट चले जाते हैं और 2008 में वहां से विधानसभा चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2008 के बाद 2013, 18 और 23 तीन लोकसभा चुनाव में कॉमरेड अमराराम को बुरी हार का सामना करना पड़ता है और तीनों बार वो तीसरे पायदान में इन विधानसभा सीट पर रहते हैं। लेकिन कॉमरेड अमराराम सिर्फ ये विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव भी 1996 से लगातार लड़ते आए हैं। चाहे वो 1996 का चुनाव हो, 98 का हो, 99 का हो, वो 2004 का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, सभी चुनाव में कॉमरेड अमराराम चुनाव हारे। लेकिन जरूरी ये है कि कॉमरेड अमराराम ने चुनाव लड़ा, हर बार वो चुनाव में उतरे। अब जब इस बार 2024 के चुनाव में गठबंधन की बात आई तो कॉमरेड अमराराम प्रत्याशी बने। इसका एकमात्र कारण ये है कि कॉमरेड अमराराम लोगों के बीच ये दिखाते आए हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और प्रत्याशी बन सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, इसीलिए उन्हें इस बार टिकट मिला। ये सार है कि किस प्रकार से अगर राजनीति में फाइटिंग स्पिरिट जिंदा रहेगी तो नेता जिंदा रहते हैं, फाइटिंग स्पिरिट खत्म तो नेता खत्म। अब कुछ नेता जो लगातार चुनाव हारते हुए आ रहे हैं, ज्योति मिर्धा 2014 का चुनाव लोकसभा का नागौर में हारी, 2019 का चुनाव नागौर में लोकसभा का हारी, 2024 का चुनाव नागौर में लोकसभा का हारी और 2023 में चुनाव नागौर में विधानसभा का हारी। लगातार चार चुनाव ज्योति मिर्धा हारती हुई आ रही। भाजपा के एक और नेता शुभकरण चौधरी झुंझुनू इस बार लोकसभा सीट पर उतरे, 24 में हारे, 2023 और 2018 में उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से उतरे, हारे। ऐसे में इन नेताओं के लिए जरूरी ये है कि फाइटिंग स्पिरिट को जिंदा रखें। अगर फाइटिंग स्पिरिट खत्म तो नेता खत्म, राजनीति खत्म। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए राजस्थान चौक।